हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा देने वाले हैं, ये वीडियो खासम खास मैंने उन्हीं के लिए तैयार है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्सों को भी जोड़िए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए। प्लीज़ एवरीवन, जल्दी से मेरे प्यारे शेयर, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला को बढ़ाती है एवरीवन। और जो है ना, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि और भी फ्रेंड जुड़ जाए और बेहतरीन क्वेश्चंस का सलूशन हो सके। और ये वीडियो आपके ना बोर्ड मॉडल प्रश्न पर आधारित है, ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम 2022 में टैली करेंगे। मैं इस वीडियो में आप सबका नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से क्या होता है कि वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने सही किए। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 से मिलाते हैं। सोशल साइंस के सारे प्रश्न हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वीडियो, आपकी तैयारियों को आकलन का मौका मिलेगा। पहला देखिए क्वेश्चन से फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में मिलाएंगे। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो देखिए पहले का देखिए आपको हम बिल्कुल राइट आंसर बताते हैं, सी हो जाएगा, यूरोप। और जिनका भी कमेंट में सी है, यूरोप है, एकदम सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्व्यवस्था वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। तो मेरे प्यारे, इस क्वेश्चन में भी आपका सी ही राइट आंसर है, बुर्बो वंश। तो जिनका भी कमेंट में सी बुर्बो वंश है, एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न 3 की ओर हम चलते हैं। आपका 3 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप खिटारिया, डायट। बहुत VVI प्रश्न है, बोर्ड मॉडल है और इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका बी होगा, कार्बोनरी। जिनका भी कमेंट में कार्बोनरी है, सही है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा। तो 4 का आपका बिल्कुल सी राइट आंसर है, ऑस्ट्रिया। जिनका भी कमेंट में सी है, ऑस्ट्रिया है, एकदम बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। 5 आपका देखिए क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो 5 का देखिए फ्रेंड्स आप लोग मिलाएंगे, इसका हम राइट आंसर बताते हैं, इसका बिल्कुल राइट आंसर सी है, प्रधानमंत्री। और देखिए अगला क्वेश्चन 12 में, 14 में, 19 में आया है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका डी होगा, 6 का डी, नाविक। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में डी है, बिल्कुल सही जवाब है। मेरे फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हम आप सबका नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना, बिना नाम के। जर्मन राय राज का निर्माण किसने किया था? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3rd और बिस्मार्क। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग मिलाएंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका बी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। फटाफट कर लीजिए रिवीजन, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है। जालवेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर आपका बी होगा, जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन है, रक्त अम्लव नीति का अवलंबन किसने किया? आइए ऑप्शंस देखते हैं, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया है। नंबर 1 ऑप्शन है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर 10 का आपका ना है ना, रक्त अम्लव नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी होगा, बिस्मार्क। ओके, 10 है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, 1864, 1866, 1870, 1871। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका 10 का ना डी होगा, 1871 में हुआ था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर फटाफट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना, हम आपके टाइम नहीं लेना चाहते हैं। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं गान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, इंग्लैंड और तुर्की। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, यूनान। जिनका भी कमेंट में यूनान है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेपल्स की क्रांति कब हुई? 1820, 21, 22 और 23। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर बी है, 1821, ठीक है। जिनका भी कमेंट में 12 है कि बी था, एकदम सही है। 13 देखिए क्वेश्चन कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इंग्लैंड। तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर डी है, इंग्लैंड, है ना, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। 13 का डी सही है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। 14 का आपको राइट आंसर बताना है, इसका बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, 1832 ईस्वी, ठीक है। जिनका भी कमेंट में 14 का बी है, उन सभी स्टूडेंटों का सही जवाब है। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 से मिलाते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन कहता है,
15 नंबर आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक कर लेने दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका ये होगा हीगेल। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में हीगेल आ रहा है एकदम सही है। एट्रियानोपुल की संधि कब हुई, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हम बताते हैं, मिलाएंगे आप लोग फटाफट मेरे, इसका बिल्कुल बी होगा 1829 ईस्वी। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में बी है एकदम सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो है ना, इस 17 नंबर एडियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई, तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी और हंगरी पोलैंड। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले मिलाएंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका डी होगा, हंगरी पोलैंड। ठीक है, जिनका भी कमेंट में हंगरी पोलैंड है एकदम सही है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन हो गया है आपका। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है सभी लोग, आप लोग ना वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक ना किए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं 18, ठीक है, ठीक हो गया, सबको दिख रहा होगा उम्मीद कर सकते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, यही सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लड़ेंगे, इससे बाहर के कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। सेडोन का युद्ध जो है ना किन के बीच हुआ, ऑस्ट्रिया और प्रसा, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा, और प्रसा और रूस। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग मिलाएंगे, इसका बिल्कुल सी राइट आंसर है। जिनका भी कमेंट में सी है एकदम बिल्कुल सही जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम बढ़ते हैं। 19 आपका है, किस देश का हंगरी का पूर्ण आधिपत्य था, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और तुर्की। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको हम राइट आंसर बताते हैं, इसका बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, ऑस्ट्रिया। जिनका भी कमेंट में ऑस्ट्रिया है एकदम सही है। ओके चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग मिलाएंगे, इसका बिल्कुल सही जवाब ए है, रूस। जिनका भी कमेंट में ए है, रूस है, एकदम सही है। 21 सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, 15 एनुअल के फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है, और इसका देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल ए सही है, सेडोन। ठीक है, जिनका भी कमेंट में ए सेडोन है बिल्कुल सही जवाब। आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यही एकदम परीक्षा में भी करना है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, 18 में आया वो क्वेश्चन है। तो 22 का देखिए आपका बिल्कुल डी राइट आंसर है, सेडोन के युद्ध, सेडोन के युद्ध बिल्कुल सही जवाब, 22 का डी जिनका भी है सही है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, मेजनी, गरिबाल्डी, विक्टर एमैनुअल और मुसोलिनी। तो 23 का देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का सही जवाब 23 का ए है, मेजनी। 23 का ए सही है, मेजनी। जिनका भी कमेंट में मेजनी है एकदम सही। 24 प्रश्न है आपका कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर ए होगा, तुर्की। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में ए है, तुर्की सही है। ये 19 में आया हुआ प्रश्न है और 2022 में भी आ सकता है। वियना कांग्रेस कब हुआ था, बहुत मस्त क्वेश्चन, 1815, 1820 और 1848। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर ए होगा, 1815। ठीक है, जिनका भी कमेंट में 1815 है सही है। अगला देखिए आपका समाजवाद एवं साम्यवाद, लेसन 2 आ गया इतिहास का। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1861, 62, 63 और 64। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ये होगा, 1861 ईस्वी। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में ए है, 1861 है बिल्कुल सही जवाब। ये देखिए 13 में आया हुआ प्रश्न, रूस में जार का क्या अर्थ होता है, पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और इस देखिए क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब है डी, रूस का सम्राट। आप लोग का मैं इस वीडियो में नाम नहीं लूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए, ठीक है ना। नाम लेने से वीडियो बहुत ही लंबा चला जाता है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग को बहुत सारे प्रश्न सोल्यूशन करा दूँ। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, काल मास का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही VVI प्रश्न है ये। पहला इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और रूस। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ना 3 का आपका बिल्कुल भी सही है, जर्मनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 के बाद आता है आपका 4, ये भी मस्त क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, रूस, जापान, चीन और क्यूबा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रूस। जिनका भी कमेंट में रूस है बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही है। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था, तो देखो मेरे फ्रेंड्स इसका ऑप्शंस देखते हैं क्या दिया है, इसके ऑप्शंस आपके क्या क्या है, है ना। तो इसका देखिए आपका पहला ऑप्शन है लुई बलां, सेम साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवन। तो इस प्रश्न का 5 का बिल्कुल राइट आंसर आपका सी होगा, कार्ल मार्क्स। जिनका भी सही है कमेंट में सी है, कार्ल मार्क्स सही है। अगला प्रश्न आपका है 6 नंबर, देखिए 19 में और 14 में ये आया हुआ प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेवस्की, एंजेलस। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग मिलाएंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर बी है, टॉलस्टॉय। जिनका भी कमेंट में टॉलस्टॉय है एकदम सही है।
नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत VBI है, 12 में, 18 में, 20 में और 20 में आया है। वैश्विक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और डी है 1905। तो मिलाएंगे अपना कमेंट मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम आपको बता रहे हैं इसका बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, नवंबर 1917। जिनका भी कमेंट में है ना नवंबर 1917 सही है। और अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की और करेंसकी। बहुत ईजी प्रश्न है ये, चलिए आइए हम आपको इसके राइट आंसर बताते हैं, मिलाएंगे। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था, बिल्कुल आपका सी सही है। जिनका भी कमेंट में सी है सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921, 22, 23 और 24। बहुत ईजी और VBI प्रश्न है, बोर्ड में पूछने वाला, और इसका बिल्कुल राइट आंसर डी होगा 1924। जिन भी स्टूडेंटों का कमेंट में डी है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम बढ़ते हैं। 10 आपका कहता है कि ब्रेस्ट और लिट्वस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई? आया हुआ प्रश्न, रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, रूस और जर्मनी। ठीक है, रूस और जर्मनी सही है। रूस का पहला समाजवादी कौन था? बहुत मस्त प्रश्न है, स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन और टॉलस्टॉय, है ना। देखिए इसका हम राइट आंसर बताते हैं, इसका बिल्कुल बी सही है, प्लेखानोव। इनका भी कमेंट में प्लेखानोव है, एकदम सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, दार्शनिक। तो 12 का देखिए बिल्कुल राइट आंसर है ए, भ्रष्ट पादरी। जिनका भी कमेंट में ए है, भ्रष्ट पादरी, एकदम सही है। 13, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? इस प्रश्न का देखिए बिल्कुल राइट आंसर आपका ए होगा, 1921 ईस्वी। जिनका भी कमेंट में ए है सही है, 1921। 14, दास कैपिटल किसकी रचना है? एंजेलस दुतोवस्की, टॉलस्टॉय और कार्ल मार्क्स। तो मेरे प्यारे इसका बिल्कुल राइट आंसर 14 का आपका डी होगा, कार्ल मार्क्स। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में डी है, कार्ल मार्क्स है, बिल्कुल सही। ओके, फटाफट रिवीजन कर ले क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? फराओ, जार, राजा और रीजेंट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, जार। ठीक है, जिनका भी कमेंट में बी है सही है, जार। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल, 8 मार्च। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग मिलाएंगे इसका राइट आंसर एक बी हो जाएगा, 1 मई। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही VBI प्रश्न है, देखिए आया हुआ प्रश्न है, और इसका देखिए आपका बिल्कुल डी सही है, 8 मार्च। जिनका भी कमेंट में 8 मार्च है सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? डास कैपिटल, वार एंड पीस, स्पार्क और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो इस प्रश्न का मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल ए सही है, दास कैपिटल। ओके, दास कैपिटल बिल्कुल राइट आंसर है, 100%। मेरे प्यारे स्टूडेंट जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे। अभी जाए नहीं, अभी और प्रश्न करा रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, है ना, 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा है, सोशल साइंस के बहुत वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किया? इसका बिल्कुल सी जाइए सही हो जाएगा, एंजेलस। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में सी है, एंजेलस, एकदम सही जवाब। और 20 नंबर प्रश्न है कि जार निकोलस डिक्टियो की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? इटली, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल देखिए सही जवाब जो है सी होगा, जर्मनी, है ना। जरीना जो है जर्मनी की थी। जिनका भी सी है कमेंट में सही है। 21 प्रश्न, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक लियो टॉलस्टॉय, ट्रॉट्स्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंगेलस। तो 21 में ना आपका बिल्कुल डी सही है, कार्ल मार्क्स और एंगेलस। ठीक है, 22 नंबर मिले किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो 22 का देखिए आपका लेनिन, स्टालिन, जिडोंग और डी है कार्ल मार्क्स। तो 22 का बिल्कुल डी सही है, कार्ल मार्क्स। जिनका भी कमेंट में कार्ल मार्क्स है उन लोग सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट। 23 है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 20 एनुअल के सेकंड सीटिंग का, 1848, 64, 67 और 83। तो इस 23 का ना मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, 1867। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में 1867 है, एकदम सही जवाब। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब यहाँ से आपका तीसरा लेसन इतिहास का चालू होता है, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? बहुत ही VBI प्रश्न है और 2022 में आएगा, और इसका हम राइट आंसर बताते हैं, मिलाएंगे। इसका बिल्कुल सी सही है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ठीक है, चलिए जिनका भी सी है सही है। 2 नंबर क्वेश्चन उससे भी स्टार प्रश्न है, और VBI ये देख सकते हैं कितनी बार आया हुआ है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। तो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर ना डी होगा, कंबोडिया।
कंबोडिया इज राइट आंसर, दो का डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीन नंबर है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, 16 एनुअल से 18 एनुअल इस सब का आया हुआ क्वेश्चन है। और इस प्रश्न का देखिए बिल्कुल राइट आंसर सी होगा, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। जिनका भी कमेंट में सी है, पुर्तगाली है, एकदम सही है। चार नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, फ्रांसीसी कहलाते थे, शासक वर्ग, कोलोन, जनरल। तो इसका देखिए बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कोलोन। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको याद नहीं करते, है ना। नाम से ना पीड़िए, काम के लिए पढ़िए और अपना रिजल्ट बेहतर लाकर, है ना, टॉपरों के लिस्ट में शामिल हो, खुद ब खुद आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ना अंत तक वीडियो को देखें, बहुत ही शानदार वीडियो है। नंबर क्वेश्चन पाँच, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल डी सही होगा, कंबोडिया। जिनका भी कमेंट में डी है, कंबोडिया सही है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, 11 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, फान बोई चाऊ। ठीक है ना, और जिनका भी कमेंट में बी है, एकदम सही, फान बोई चाऊ। चलिए क्वेश्चन नंबर सात की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, सात देखिए क्वेश्चन, सात आपका है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आपका ना बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, हनोई समझौता। सात का जिनका भी कमेंट में बी है, एकदम सही है। आठ नंबर प्रश्न देखिए, आठ आपका प्रश्न कहता है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, रसेल, हो चिन मिन, नरोत्तम सिंहानु, क्रूसो। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर ये होगा, रसेल। रसेल सही जवाब है, एकदम सही, रसेल। नौ नंबर प्रश्न देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो इस प्रश्न में आपको वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश और रूजवेल्ट। तो इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, निक्सन। जिनका भी कमेंट में बी निक्सन है, सही है। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाह वाह आंदोलन किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी, धार्मिक, समाजवादी और क्रांति धार्मिक। तो इस प्रश्न का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, क्रांतिकारी धार्मिक। 10 का डी एकदम सही है, क्रांतिकारी धार्मिक। 11 है, जिनेवा समझौता कब हुआ था। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, VVI। और इसमें देखिए 1954, 60, 50 और 46 है। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर ये होगा, 1954। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखिए कि वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, मतलब पूरी तरह से। तो इस प्रश्न का ना आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है 1975 हो जाएगा, 1975 इज राइट आंसर। जिनका भी कमेंट में डी है, एकदम सही जवाब। 13 है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे, जॉन गोइन आई, हो चिन मिन, बाओ दाई और फ्रांचू त्रिन। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर ए है, जॉन गो आई। जिनका भी 13 का ए है, एकदम सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हिंद दियन वेन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। और इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपका हम बताते हैं, जिसमें फ्रांस बिल्कुल हार गया था, आपका बी सही है। और 15 है, क्रांतिकारी संगठन दान तुगे नेता कौन थे, फान वई चाओ, हो ची मिन, कुआंगदे और सुन खुम्मा। तो इस प्रश्न का मेरे प्यारे सर, इसका बिल्कुल सी राइट आंसर है, कुआंगदे। और जिनका भी कमेंट में सी है, कुआंगदे है, एकदम सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे सर, कहता है कि जापान के हिंद चीन पर कब अधिकार जमा, 1940, 40, 41 और 42। तो प्यारे रसगुल्ले, आंसर इसका बिल्कुल सही 1940 हो जाएगा। जिनका भी कमेंट में बी है, 1940 है, सही है। 17 है, स्कॉलर विद्रोह कब हुआ, 1868, 72, 66 और 64। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हम जो है बता रहे हैं, ए होगा, 1868 ईस्वी। जिनका भी कमेंट में ए है, सही है, ओके। 18 है कि वियतनाम में टोकिन प्रेस को इसकी अपना स्थापना कब, 1907, 1908, 1910, 1911। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हम आपको बताते हैं, इसका बिल्कुल ए है, 1907 ईस्वी। 18 का ए जिनका भी कमेंट में सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, 19 है आपका कि अंकोर वाट के मंदिर के निर्माण के समय निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, सूर्य बर्मन, द्वितीय, नरोत्तम सिंहानु, कुआंग, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। चलिए मैं आपको इसके राइट आंसर बताता हूँ, इसका बिल्कुल ए सही है, सूर्य बर्मन द्वितीय। और जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में ए है, एकदम सही जवाब है, सूर्य बर्मन द्वितीय, ओके। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियोज़ में मैंने आपको ना लगभग कितने क्वेश्चंस देखे टोटल, लेसन 1 से 25, लेसन 2 से 23 और 19, 9 3 12 5 17 9 5 3 8 9 17 3 2 5 1 6 67। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने इसको वीडियोस में 67 प्रश्न आपको सोल्यूशन कराए, इसमें आपके कितने सही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो लोग भी
आज पहली बार हमारे चैनल मस्त क्लासेस पे आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो जो भी देख रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला को बढ़ाती है। मैंने पहले भी बताया है, ये आप ही का चैनल है और इसे आपको बड़ा करना है। मैं कहाँ हूँ तू ही तू है ये सब तेरा अंदाज है, मैं कहाँ हूँ तू ही तू है ये सब तेरा अंदाज है, और मुझमें जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। तो एवरी स्टूडेंट्स, आप लोग से है कि वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड साथी में भी शेयर कीजिए। इसके लिए मस्त क्लासेस सदा आपका आभारी रहेगा। हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं इसी तरह के मज़ेदार, धमाकेदार, शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।